हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वीडियो अयान के स्कूल आज जा रहे हैं। अयान स्कूल में मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग, देखते हैं क्या होता है। वहाँ चलते हैं और देखेंगे सर लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग घर से निकल चुके हैं तो अब स्कूल पहुँचेंगे, तो स्कूल पहुँचने के बाद क्या होता देखते हैं। तो चलिए स्कूल में पहुँच कर बात करते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं स्कूल। देख सकते हैं थोड़ा काम बहुत हो रहा है, स्कूल का काम हो रहा है। ये स्कूल का हॉस्टल है, थोड़ा काम हो रहा है स्कूल में। चलिए देखते हैं कहाँ पे हम लोग जाएगा। आप भी मीटिंग के लिए आए क्या, पेरेंट्स मीटिंग के लिए? नहीं, बच्चा लोग बोले थे। हाँ, ये सब छोटे छोटे बच्चे सब स्कूल में ना। तो कहाँ पे बैठा है? अंदर में है, आना पूछते हैं। चलिए पूछ लेते हैं, चलिए देखते हैं। पहुँच गए और अंदर में मीटिंग हो रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, हो गया क्या? यहीं पे साइन हो रहा है क्या? जो नहीं आता उसके लिए मीटिंग होना चाहिए कि जाइए अपना पेरेंट्स को लेके, ये बच्चा पढ़ने नहीं आता है वगैरह वगैरह। उसका मोबाइल नंबर सब बच्चा ले लो, और सब बच्चा फोन करके बोल। का दिन हुआ तो हुआ, दिन भले हम लोग का ना आता है। ये देख सकते हैं स्कूल का गेट, स्कूल का गेट है ये ना, मेन डोर स्कूल का गेट है। अब लोग अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं बच्चे लोग बैठे। हम वो सानिया ऊपर ले गई थी क्लास, ऊपर वो 12th क्लास है। तो देख रहे हैं गप्पा सब लड़ा रहा है। स्कूल स्कूल नहीं है, स्कूल सब बच्चा सब आता खाली घूमने फिरने के लिए। चलिए स्कूल तो हम लोग देख लिए, अब जाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस तरफ। वहाँ पे मीटिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं साइकिल सब लगा हुआ है यहाँ पे बच्चा लोग का क्या। अब ऑफिस चलते हैं प्रिंसिपल का, वहाँ पे स्कूल का ग्राउंड है क्या जी। यहाँ पे बच्चा लोग अपना स्पोर्ट खेलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये सब बैठने के लिए बच्चों के लिए है। प्रिंसिपल का ऑफिस उधर है, ये हॉस्टल है। चलिए देखते हैं, ये है प्रिंसिपल का ऑफिस आगे है ना। चलिए अब हम लोग बैठते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। चालू हो गया क्या मीटिंग? ये है प्रिंसिपल का ऑफिस क्या जी। हाँ, खाना पीना सब बनाते छोटा स्कूल बच्चे के लिए। हॉस्टल भी है, बच्चा हॉस्टल है। देखिए ये मेन डोर है, मेन गेट क्या तो बात है क्या? तो हमेशा ये मान के चलिए कि बच्चे विद्यालय आएंगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, और यदि आपके बच्चे आपके घर पर आ गए हैं, आप सुविधाएं यहाँ पर की गई, हर तरह के खेलों का आयोजन हुआ, और जो हमारे विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया, जैसे कबड्डी में स्पर्धा है, झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और आपके बच्चे जो नियमित स्कूल नहीं आते, उस दोनों का कंपेरिजन करते हैं। देखा जाता है कि जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, इसी जगह से किसी से बच्चे अपना बैग पार और उनका फायदा क्या होगा तुम्हारे पास। यदि आपके बच्चे थोड़ा ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि देखते हैं क्या होता है।
सवाल जवाब क्या पूछेगा, पकाने लगा मास्टर बैठे बैठे बोल रहा है। देख सकते हैं मीटिंग खत्म हो गया, आवाज में निकल रहा है, बहुत लंबा भाषण था। दो इंग्लिश सब पढ़ाई तक लेते लेते हम लोग का बच्चे निकल जाए। हाँ तो इस साल तो निकल जाएगा, अगले साल आएगा। मीटिंग खत्म हो गया, हम लोग बाहर के निकलने वाले हैं। देख सकते हैं बच्चों, पेरेंट्स लोग का भीड़ है, है ना। ये 9-10 वाले बच्चे सब है ना। देखिए ये फील्ड, अब लोग बाहर की ओर निकल गए हैं। क्या जी बाहर निकल गए ना, अब तो आना नहीं पड़ेगा। हम लोग सर से बात कर लिए ना, प्रिंसिपल सर से बात कर लिए, अब ध्यान देंगे वो लोग, बोल दिए। अब हम लोग चलते हैं घर की ओर। इधर स्कूल का बच्चा नहीं तो ऑफिस है, प्रिंसिपल का ऑफिस है। इधर भी देख सकते हैं, इधर भी है। अब हम लोग चले, निकलेगी तो हमको फोन कर देगी। ओहो तो हम नहीं जाएंगे। हाँ तो हम जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। मैम से अकेले भेंट भेंट कीजिए क्या, कर लेंगे तो। चलिए चलिए भेंट कर लेते हैं, भी ले लेंगे साथ ले जाना, बच्चों लोग से भेंट कर लेते हैं। 12 तो बजे गया है। हाँ तो जुमा भी है, ऐसे भी पीछे जाता है, आगे जाता है। क्या देखते, चलो हॉस्पिटल के बाद घर पहुंच चुके हैं फाइनली। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।